हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और माय सेल्फ विकास यादव और आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट ब्लड ग्रुप। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। तो दोस्तों, ये जो ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बात आती है वहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। और किसी भी पेशेंट को हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करवाते हैं, जब वो उस पेशेंट का किसी या तो कोई सर्जिकल ऑपरेशन चालू रहता है, या तो वो किसी एक्सीडेंट को मेट करता है, या तो उसको कोई बीमारी हो जिसमें उसके ब्लड फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करना पड़ता है, हमको उसको ब्लड देना पड़ता है। अब जब हम उसको पेशेंट को ब्लड देते हैं तो हमको क्या करना रहता है कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप को मैच करना रहता है आपके डोनर ब्लड ग्रुप से। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो अगर आपने क्या किया, पेशेंट को किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया, तो उसके बॉडी में क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेंगे और वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपके मैक्रोफेज उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, डिस्ट्रक्ट करेंगे, जिसकी वजह से बिलीरुबिन बढ़ेगा। और बिलीरुबिन बढ़ेगा तो पेशेंट को जॉन्डिस हो जाएगी, और ये जॉन्डिस कभी कभी इतना ज़्यादा सीवियर हो जाती है कि पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसीलिए ये जो आपका ब्लड ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ब्लड ग्रुप की बात आई यहाँ पर, तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि भाई ब्लड क्या होता है। तो ब्लड क्या होता है आपका, इट्स अ कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा, जिसमें कि आपका जो ब्लड सेल्स होता है वो क्या होता है 45%, और जो आपका प्लाज्मा होता है वो होता है आपका 55%। जो आपका प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर मोस्टली आपको यहाँ पर हार्मोन्स देखने मिलेंगे, एंजाइम्स, आयंस, नाइट्रोजिनस वेस्ट जिसमें आपका अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह मिलता है आपको, और वाइटामिन वगैरह आपको सब यहाँ पर देखने मिलेगा। ठीक है, और जो आपका ब्लड सेल्स होता है, ये जो 45% था, इसमें आपको RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स देखने को मिलेगा। अब ये जो ब्लड ग्रुप होता है ये आपके RBCs डिसाइड करते हैं। RBCs की सरफेस जो होती हैं उनके ऊपर क्या होता है, कुछ अपने ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीजन्स। अब एंटीजन होता क्या है, इसको हम लोग एग्लूटिनोजेंस भी बोलते हैं। इनका डेफिनेशन क्या होता है, एनी सब्सटेंस दैट ट्रिगर द इम्यून सिस्टम टू फॉर्म एंटीबॉडीज़। मतलब ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, फॉरेन बॉडीज़ होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे आपके ब्लड में आएंगे या तो किसी टिश्यूज़ को इन्वेड करेंगे, तो आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, इनके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ को फॉर्म करता है। ठीक है, अब ये एंटीबॉडीज़ क्या होता है वो देख लीजिए। यहाँ पर एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं, अपने एग्लोटिनिन्स भी बोलते हैं हम लोग इसको, और इसका डेफिनेशन क्या है, द सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म अगेंस्ट दी एंटीजन। मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जो एंटीजन के अगेंस्ट में बनता है, जो आपका इम्यून सिस्टम बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए वहाँ पर टोटल आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3 एंटीजन। ठीक है, 3 एंटीजन में पहला आपका एंटीजन होगा ए एंटीजन, दूसरा आपका एंटीजन होगा बी एंटीजन, तीसरा आपका एंटीजन होता है डी एंटीजन, जिसको आप RH फैक्टर भी बोलते हो। अब इसको RH फैक्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपका जो रिसस मंकी था, उस रिसस मंकी के RBCs के ऊपर फर्स्ट ये RH फैक्टर को उन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, तो सपोज़ आपके RBC के जो सरफेस है उनके ऊपर अगर वहाँ पर ए एंटीजन रहेगा, उनके सरफेस पे क्या देखा आपने को, ए एंटीजन मिलेगा, तो आपका जो ब्लड ग्रुप रहेगा क्या हो जाएगा, आपका ए ब्लड ग्रुप रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको सेकंड कॉलम में दिख रहा होगा कि वहाँ पर ए एंटीजन है। ठीक है, किसके ऊपर, आपके RBCs के ऊपर, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया पेशेंट का, ए हो गया। अगर वहाँ पर बी एंटीजन पेशेंट रहेगा तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा उसका, बी। अगर दोनों एंटीजन वहाँ पर प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए और बी। अगर वहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा उसका ब्लड ग्रुप, ओ होता है। ठीक है, और ये एंटीजन की उन्होंने बात कर लिया, लेकिन अब प्लाज्मा में बात आता है कि वहाँ पर एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी। तो जो एंटीबॉडी आपका, जो एंटीजन आपके RBCs के ऊपर रहेगा, उसका अपोजिट एंटीबॉडीज़ आपके RBCs में होते हैं, क्योंकि अगर उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ आपके प्लाज्मा में होंगे तो वो लोग उनके बीच में क्या हो जाएगा, उनके बीच में ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसके वजह से मैक्रोफेज उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर जो भी RBC के सरफेस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होगा उसका अपोजिट एंटीबॉडी आपके प्लाज्मा में होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो में लिखा है कि RBC के ऊपर कौन सा एंटीजन था, ए, तो एंटीबॉडीज़ आपके प्लाज्मा में कौन सी हैं, बी। और बी वाले में क्या है, देखिए वहाँ पर ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन आपके RBC की सरफेस के ऊपर था, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सा, ए है। वैसे ही वहाँ पर आगे भी ऐसे ही दिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि डी एंटीजन क्या करता है, तो डी एंटीजन क्या करता है वहाँ पर, ये डिटरमाइन करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर आपके RBC के सरफेस के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट रहेगा तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव,
अगर आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर आपका डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा नेगेटिव। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर कि ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर वहाँ पर ए एंटीजन प्रेजेंट है और उसके साथ में वहाँ पर डी एंटीजन प्रेजेंट है। बी पॉजिटिव में क्या होगा कि बी एंटीजन तो प्रेजेंट था वहाँ पर आरबीसी के सरफेस के ऊपर, उसके साथ साथ क्या है वहाँ पर डी एंटीजन प्रेजेंट है। ओ में क्या हुआ, ओ में वहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं था, ना ए है ना बी है, इसकी वजह से उसको ओ बोला है। और वहाँ पर प्लस साइन दिया, पॉजिटिव साइन है, मतलब क्या होगा यहाँ पर कि डी एंटीजन उसके आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे ही आगे भी वहाँ पर ए नेगेटिव बोला तो मतलब ए एंटीजन प्रेजेंट है लेकिन डी एंटीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं। बी नेगेटिव मतलब बी एंटीजन आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है बट डी एंटीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ओ नेगेटिव मतलब यहाँ पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना तो ए है ना तो बी है ना तो डी है, इसलिए उसको ओ नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपका जो ए बी पॉजिटिव होता है इसको हम लोगों ने बोला है क्या, यूनिवर्सल रिसीवर। क्या बोला है इसको हम लोगों ने, यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर का मतलब क्या होता है कि ये किसी भी टाइप के ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसीवर। क्यों, क्योंकि इसके पास सारे एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन भी है इसके पास, बी एंटीजन भी है इसके पास और डी एंटीजन भी इसके पास है। जब इसके पास सारे एंटीजन है तो किसी से कुछ लेना देना होगा क्या इसको, नहीं। जिसके पास सब होता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी से भी पैसा ले सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका दूसरा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका जो ओ नेगेटिव होता है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये क्या कर सकता है, सबको ब्लड दे सकता है अपना। अब ये सबको ब्लड क्यों दे सकता है, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो जब इसकी आरबीसी पेशेंट के ब्लड में जाएंगी तो जब इसके ऊपर कुछ एंटीजन है ही नहीं तो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। तो जब वहाँ पर पेशेंट की इम्यून सिस्टम ट्रिगर नहीं होगी क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर तो कोई एंटीजन प्रेजेंट है ही नहीं, ना तो ए है ना तो बी है ना तो डी एंटीजन प्रेजेंट, तो ईजिली वहाँ पर क्या कर सकता है, ये सबको ब्लड दे सकता है। इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है। और ये वो बात हो गया आपका ए पॉजिटिव के लिए कि ये सबको, सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल रिसीवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप इन जनरल एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि जो भी रिसीवर्स होते हैं उनके आरबीसीज के ऊपर सेम एंटीजन होना चाहिए, मतलब जैसा पेशेंट के आरबीसीज के ऊपर है वैसा ही एंटीजन वहाँ पर क्या होना चाहिए, आपके डोनर के ऊपर होना चाहिए, डोनर के आरबीसीज के ऊपर होना चाहिए, तभी वहाँ पर क्या आएगा, वो कंपैटिबल हो पाएगा। सपोज़ यहाँ पर देखिए आपका जो ए वाला ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो ये किन को ब्लड दे सकता है, कैन डोनेट टू। अब ये किसको दे पाएगा, इसके सरफेस के ऊपर कौन से एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है और डी एंटीजन प्रेजेंट है, तो मतलब ये इजीली आपके ए पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। अब ये इजीली आपका देखिए यहाँ पर ए पॉजिटिव को तो उन्होंने यूनिवर्सल रिसीवर पहले से ही बोल दिया है, तो इसकी बात तो होगी ही नहीं। तो इसको आप मान लीजिए कि इसको ईजी तो हमेशा ले ही सकता है सबसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो कैन रिसीव फ्रॉम, मतलब ये ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप जिसका भी होगा वो किन से ब्लड ले सकता है, तो वो ए पॉजिटिव से ले लेगा। क्यों, क्योंकि सेम एंटीजन्स हैं। ए नेगेटिव से ले लेगा, ए नेगेटिव से क्यों ले सकता है वो, क्योंकि इसके आरबीसी के ऊपर क्या है, ए एंटीजन प्रेजेंट होगा और नेगेटिव मतलब डी एंटीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। जब डी एंटीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो इसको ट्रिगर कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा। और होता भी तो भी कौन सा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि इसके पास तो पहले से डी एंटीजन है ना। तो बॉडी के अगेंस्ट, बॉडी कभी भी क्या करती है, जो उसके प्रोडक्ट होते हैं उनके अगेंस्ट में वो एंटीबॉडीज़ कभी नहीं बनाती, ठीक है। जो फॉरेन बॉडीज़ उनके बॉडी में आएंगे, जो फॉरेन बॉडीज़ पेशेंट के बॉडीज़ में आएंगे उनके अगेंस्ट में ही जब भी वहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनेंगी उनके अगेंस्ट में ही बनेंगे, ठीक है। फिर ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव मतलब इसके सरफेस के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट है, तो डी एंटीजन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पेशेंट के पास भी डी एंटीजन पहले से ही प्रेजेंट है वहाँ पर, है ना। और जो ओ है, ओ के ऊपर क्या है, ना तो ए है ना तो बी है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इजीली पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और ओ नेगेटिव में क्या होगा, इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ना तो ए है ना तो बी है ना तो डी है, तो ऐसे करके हम लोग सबको ईजीली समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात क्या आता है पता है आपको, कि आपका जो ए पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप है जब इसको, जब ये क्या करेगा, किसी को ब्लड देगा और वो किसको देगा, ए बी
मिनट, जब क्या होगा वहाँ पर, जो आपका ए पॉजिटिव वाला ब्लड पेशेंट ए बी पॉजिटिव वाले को अपना ब्लड देगा, तो होगा क्या कि इसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसके प्लाज्मा में क्या रहेंगे, एंटीबॉडी, ए बी लिख देता हूँ मैं, ए बी एंटीबॉडी क्या रहेगा, बी रहेगा। अब ये जो एंटीबॉडी बी है, ये जब पेशेंट के ब्लड में जाएगा तो ये बी एंटीजन के ऊपर अटैक करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो वहाँ पर वो क्या बनाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसके वजह से इसका डिस्ट्रक्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। बट होता क्या है कि जब हम लोग ए पॉजिटिव वाले का ब्लड देते हैं किसको, पेशेंट को, समझो ए बी पॉजिटिव वाले पेशेंट था, ये आपका क्या है, पेशेंट है, ये आपका क्या है, वहाँ पर डोनर है। तो जब डोनर का हम लोग ने ब्लड क्या किया, पेशेंट को दिया, तो पेशेंट के बॉडी में जब ए पॉजिटिव वाले अपने आरबीसीज जाएंगे, ठीक है, और ये जो एंटीबॉडीज है ना, ए बी जो हम लोग लिखा है एंटीबॉडी बी, तो इनका अमाउंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, इनका अमाउंट क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली जाके उनके प्लाज्मा में डाइल्यूट हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही रेयरली मतलब ये यहाँ पर रिएक्शन कर पाते हैं वो लोग। और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हीमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। और वहाँ पर एक रिएक्शन होता है जिसको आप बोलते हो रेड ब्लड सेल इनकम्पैटिबिलिटी, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रेड ब्लड सेल इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें होता है क्या, सेम यही होगा कि यहाँ पर जो डोनर का एंटीबॉडीज़ है बी वाला, वो क्या करेगा, पेशेंट का जो एंटीजन था बी एंटीजन, उसको अटैक करेगा। बट यहाँ पर एक जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए आप इसको हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको तीन बॉटल्स दिख रही होंगी, तीनों बॉटल पर आपका ये एंटीबॉडी ए लिखा हुआ है, एंटीबॉडी बी लिखा हुआ है, एंटीबॉडी डी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन बॉटल्स का यूज़ क्या होता है, इनमें एंटीबॉडीज़ हैं, पहले तो याद रखिए इनमें क्या होता है, एंटीबॉडी होता है, ठीक है। अब अगर इनमें एंटीबॉडी ए है और आरबीसी के सरफेस पे क्या होता है, आपका एंटीजेंस होते हैं, है ना। तो अगर मैं ए पॉजिटिव वाला, समझो अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्ट्रिप बना देता हूँ, तो ये आपका मैंने स्ट्रिप बना दिया, और स्ट्रिप के ऊपर क्या हुए, ऐसे गोले बने हुए रहेंगे, और इनमें क्या करेंगे हम लोग, होल ब्लड डालेंगे, ठीक है। ये मैंने होल ब्लड डाल दिया इनमें, अब हम लोग क्या करेंगे, एंटीबॉडी ए डालेंगे इसमें, एंटीबॉडी बी इसमें डालेंगे, एंटीबॉडी डी इसमें डालेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें अपने को क्लॉट दिखता है फर्स्ट वाले सर्कल में, ठीक है, ऐसे आपको क्लॉट्स दिखनेंगे वहाँ पर, मैं अभी आगे आपको चार्ट्स में दिखा दूंगा। तो अगर इसमें आपको क्या दिखता है, क्लॉटिंग दिख रहा है, ठीक है, तो मतलब आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन प्रेजेंट होगा। और आपको अगर सेकंड सर्कल में भी क्या मिलेगा, क्लॉटिंग मिलेगा, मतलब आपके आरबीसी के ऊपर क्या रहेगा, बी एंटीजन भी प्रेजेंट रहेगा। और अगर आपको तीसरे वाले सर्कल में भी क्या मिलता है, वहाँ पर क्लॉटिंग मिलता है, तो मतलब आपके आरबीसी के सरफेस के ऊपर वहाँ पर डी एंटीजन भी प्रेजेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्लॉटिंग हुआ, मतलब क्या हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना, ये एंटीबॉडी और इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर भी अगर वहाँ पर डी एंटीजन प्रेजेंट होता, तो इनके बीच में क्या होगा, वहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और जिसकी वजह से वहाँ पर क्लॉटिंग हो गई, ठीक है। तो मतलब इस पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ए बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर वही मैं आपको दूसरा एक स्ट्रिप ले लेते हैं, जिसमें क्या होता है, अगेन तीन सर्कल बना देते हैं हम लोग, जिसमें क्या करते हैं हम लोग होल ब्लड ले लेंगे, होल ब्लड मतलब वही आपका ब्लड सेल प्लस आपका प्लाज्मा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अगेन ए एंटीबॉडी डालेंगे, इसमें बी एंटीबॉडी डालेंगे, इसमें डी एंटीबॉडी डालेंगे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर क्लॉटिंग मिल जाती है, तो मतलब आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा, ए एंटीजन प्रेजेंट है, बट इसमें आपको क्या मिल रही है, क्लॉटिंग नहीं मिल रही है, और इसमें आपको क्लॉटिंग क्या मिल रही है, मिल रही है। तो मतलब आपको क्या हुआ, ए में मिला और डी में मिला, तो मतलब आपके आरबीसी का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ए पॉजिटिव। ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि आपका डी एंटीजन क्या है, वहाँ पर क्लॉटिंग मिला ना, यहाँ पर और क्लॉटिंग मिला, तो मतलब वहाँ पर आरबीसी के सरफेस के ऊपर डी एंटीजन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना और पॉजिटिव हो गया, है ना। और अगर हम लोग सेम थर्ड वाला यहाँ पर एक ले लेते हैं स्ट्रिप, जिसमें क्या रहेगा आपका, अगेन तीन सर्कल हमने देखा, इसमें भी आपने होल ब्लड ले लिया, और सेम हमारे जो एंटीबॉडी रहेंगे वो हम लोग ने इसमें डाल दिया। अगर आपको ना तो इसमें क्लॉटिंग मिला, ना तो इसमें क्लॉटिंग मिला, ना ही इसमें क्लॉटिंग मिला, तो मतलब यहाँ पर जो पेशेंट का ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ओ, क्योंकि एक भी
क्लॉटिंग नहीं मिले तो मतलब ना तो ए एंटीजन प्रेजेंट है, ना तो बी एंटीजन प्रेजेंट है, और ना ही डी एंटीजन। तो ना डी एंटीजन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो मतलब क्या होता है, पेशेंट का ब्लड नेगेटिव। तो यहाँ पर आपका पेशेंट का ब्लड क्यों हो जाएगा, आपका ओ नेगेटिव, जो कि रेयरेस्ट होता है। और ये क्या होता है, आपका यूनिवर्सल डोनर, ठीक है, जो हमने पीछे डिस्कस किया। अब हम लोग आप चार्ट के ऊपर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा होगा, इस चार्ट में भी सेम आपको वही सब बताएगा जो मैंने आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। तो सपोज हम लोग यहाँ पर ए नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर एंटीबॉडी ए है, एंटीबॉडी बी है, एंटीबॉडी डी है, और यहाँ पर कंट्रोल। हाँ, कंट्रोल के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। कंट्रोल क्या होता है दोस्त, कंट्रोल ये होता है कि आपका जो किट आता है जिसमें आपके ये पूरे एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहेंगे बॉटल में, तो उसमें उसके साथ में एक कंट्रोल भी देते हैं वो लोग। वो कंट्रोल क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है। पहली बात तो जब भी आप होल ब्लड में आपका कंट्रोल डालोगे तो वहाँ पर आपको क्लॉटिंग नहीं मिलना चाहिए। अगर वहाँ पर आपको क्लॉटिंग मिलता है जैसे कि लास्ट वाले में दिखाया, तो ये आपका इनवैलिड होगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट आप बोल सकते हो ये उसका जो किट होता है उसका एक्सपायरी डेट आपको बताता है, ठीक है। तो सपोज आपका, हम लोग यहाँ पर ए नेगेटिव की बात करते हैं, तो ए नेगेटिव में हुआ क्या कि एंटीबॉडी जब आपने ए डाला आपके सर्कल में फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर आपको क्लॉटिंग मिल गया, मतलब आपके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन वहाँ पर प्रेजेंट है, इसी की वजह से वो क्लॉटिंग मिला। बी वाले में देखिए वहाँ पर आपको क्लॉटिंग नहीं मिला, तो मतलब वहाँ पर बी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। और डी एंटीजन में भी क्या, डी एंटीबॉडी वाले जो आपने डाला वहाँ पर, तो भी आपको वहाँ पर क्लॉटिंग नहीं मिला, है ना। तो मतलब आपका जो आरबीसी है उसके सरफेस के ऊपर सिर्फ वहाँ पर ही एंटीजन प्रेजेंट था, जिसकी वजह से सिर्फ वहाँ पर एक ही में क्लॉटिंग मिला। तो मतलब इस बंदे का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, आपका ए। और नेगेटिव कैसे डिसाइड किया आपने, क्योंकि आपका जो डी एंटीजन था उसमें भी क्लॉटिंग नहीं मिला, और क्लॉटिंग नहीं मिला मतलब वो डी एंटीजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो मतलब आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए नेगेटिव। वैसे हम लोग अगर ए बी नेगेटिव की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए जब आपने तीनों सर्कल में क्या कर दिया, आपका रेस्पेक्टिव एंटीबॉडीज डाल दिया, आप फर्स्ट वाले में ए, सेकेंड वाले में बी, थर्ड वाले में डी एंटीबॉडीज, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में यहाँ पर क्लॉटिंग मिल गया, मतलब ए पॉजिटिव, ए प्रेजेंट है। सेकेंड वाले में मिल गया क्लॉटिंग, मतलब बी प्रेजेंट है। और थर्ड वाले में आपका क्लॉटिंग नहीं मिला, तो मतलब यहाँ पर आपका डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ए और बी दोनों प्रेजेंट है, तो मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो ए बी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी हम लोग इसके अंदर जो भी है उसको भी हम लोग इजीली डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि बी नेगेटिव की बात करूँगा तो सिर्फ बी में क्या होगा, आपका क्लॉटिंग मिलेगा, और नेगेटिव है तो मतलब डी वाले में क्लॉटिंग नहीं मिला, तो आपका बी नेगेटिव हो गया। ओ नेगेटिव की हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका जो स्लाइड है इसमें फर्स्ट वाले में नहीं क्लॉटिंग मिला, सेकेंड वाले में भी क्लॉटिंग नहीं मिला, और थर्ड वाले में भी नहीं मिला, तो ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, मतलब ओ एंटी, ओ वाला ब्लड ग्रुप हो गया आपका। और डी प्रेजेंट होता तो पॉजिटिव होता, बट यहाँ पर डी नेगेटिव है, मतलब क्लॉटिंग नहीं मिली, तो मतलब आपका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।